Hey guys, welcome back to the channel. तो आज हम ट्रेनिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी तक शेरू को कौन कौन सी ट्रेनिंग दी है और कैसे उस ट्रेनिंग को मैंने कंप्लीट किया है, कैसे वो ट्रेनिंग मैंने शेरू को दी है। तो मैं आज आपको सब इजी वेज बताने वाला हूँ, जिससे आप भी आपके पपी को ट्रेनिंग दे सकते हो। तो मैं आज से वो ट्रेनिंग का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप हर एक वीडियो देखना जरूर से। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था ट्रेनिंग के लिए टिप्स, कि वो टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए ट्रेनिंग देने के पहले। तो अभी तक जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख के आओ, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला है और या आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में वो वीडियो देख के आओ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी बातों का केयर करना है और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ट्रेनिंग देने से पहले। तो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक अभी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं दिखाता हूँ आपको कि आप कैसे आपके पपी को जल्दी से जल्दी ट्रेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके पपी को कैसे सीट और स्टे का ट्रेनिंग दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सीट का ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो आपके पपी को। तो चलो देखते हैं सिट की ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी और कैसे आप उसको सिट की ट्रेनिंग दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने टिप्स बताई थी कि आपको कुछ ना कुछ उसके लिए ट्रीट लेके आना है और उसके ट्रेनिंग परफॉर्म करते टाइम उसको वो ट्रीट खाने के लिए देना है। तो मैं इसके लिए ये बिस्किट्स यूज करता हूँ प्योर पेट के। तो आप भी कोई भी चीज जो उसको अच्छी लगती हो वो यूज कर सकते हो। तो आप उसके लिए ट्रीट जरूर से लेके आए और उससे स्टार्ट करना है। तो मैं जैसे अभी ये प्योर पेट के बिस्किट यूज करने वाला हूँ। तो आपको उसी ट्रेनिंग में क्या करना है कि उसके जो हेड होगा उसके हेड के ऊपर आपको ट्रीट लेके रखनी है। तो जैसे अभी इसका हेड ये है तो उसके ऊपर ऐसे जब ट्रीट रखूंगा मैं और वो स्टैंडिंग पोजिशन में होगा तो नीचे बैठ जाएगा, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ऑलरेडी ट्रेन है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपके पपी को, मतलब 4-5 दिन लग सकते हैं पर वो जल्दी से सीख जाएगा। आप ऐसी कंटिन्यू ट्रेनिंग करेंगे 15 मिनट रोज तो जल्दी से सीख जाएगा वो। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। शेरू आप तो जैसे ये खड़ा है, इसको सीट के पोजीशन में करने के लिए हेड के ऊपर लेके जाओ, ले ऐसे हेड के ऊपर लेके जाओ। देखो ये बैठ गया, तो इसको दे दो। तो ऐसे सीट वर इंट्रोड्यूस नहीं करना है एकदम से, पहले उसको 4-5 बार आप करा दो और उसके बाद सीट वर्ड इंट्रोड्यूस करो। जब बैठ जाए फिर से दे दो। तो इसे आपको कंटिन्यू करना है। अब फिर से ऐसे रखो, नाइट जब वो सीट हो जाए तब उसको फिर से दे दो खाने के लिए। फिर से उसके हेड पे रखो, सीट हो गया फिर से दे दो। तो ये चीजें आपको कंटिन्यू रिपीट करनी है और एक बार वो सीट पोजीशन लेने लग जाए उसके हेड पोजीशन के ऊपर, हम जब फूड लेके जाएंगे ट्रीट लेके जाएंगे तब तो उसको आप सीट वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। शेरू सीट, यस गुड बॉय गुड बॉय। अब शेरू सीट, यस गुड बॉय। शेरू सीट, यस गुड बॉय। तो इस तरीके से आपको इसको सीट की ट्रेनिंग देनी है, बहुत ही इजी है, बस आपको ये रिपीट करना है और दिन में आप 10-15 मिनट ऐसे कराओ इसे। सीट की पोजीशन लेने के बाद सीट बोला करो इसको, तो इसको समझ आएगा कि आप जब भी इसको सीट बोलते हैं इसको नीचे बैठना है उस तरीके से और इसको ट्रीट मिलने वाली है। तो इस तरीके से इजीली सीख जाएगा ये सीट की ट्रेनिंग भी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको स्टे कैसे करा सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं स्टे की ट्रेनिंग और सिट की ट्रेनिंग, जैसे मैंने अभी आपको बता दी तो आप ऐसे ही रिपीट करना है। स्टे की ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, स्टे की ट्रेनिंग में आपको उसके ड्यूरेशन के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट करना है कि कितने ड्यूरेशन तक वो स्टे रह सकता है। जैसे अभी मैं फूड है उसके सामने रखने वाला हूँ, तो कितने देर तक वो फूड ना लिए बिना रह सकता है, ना खाए बिना रह सकता है। तो सबसे पहले आपको ड्यूरेशन के ऊपर ध्यान देना है। तो अभी ये जैसे फूड है मैं इसको लेता हूँ, यस गुड बॉय। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा रुकाना है इसको, स्टे, यस गुड बॉय। अभी ये सीखा हुआ है इसलिए ये जल्दी से इजीली कर ले रहा है, आपका डॉग ऐसे नहीं करेगा परफॉर्म जल्दी से, तो आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, धीरे धीरे वो करने लगेगा। आपको बस उसको ट्रीट दिखानी है और स्टे करना है। तो आपको ये पोजीशन भी देना है उसको,
मतलब ये जब जेस्चर दोगे आप उसको, तो उसको समझ में आएगा कि ये जेस्चर से भी रुकना है, इसका भी मतलब स्टे होता है। तो हर बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर दोगे तो वो भी स्टे हो जाएगा तब भी। तो उसको आप पहले ट्रिक दिखा दो, स्टे। यस गुड बॉय। फिर वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए स्टे करो, स्टे। यस गुड बॉय। ऐसे धीरे धीरे आपको ड्यूरेशन बढ़ाते रहनी है और ड्यूरेशन की ट्रेनिंग ऐसे जल्दी से सीख जाएगा वो। स्टे। यस गुड बॉय। तो ड्यूरेशन के बाद आपको डिस्टेंस का ट्रेनिंग देना है उसको, जैसे आप उससे थोड़ा दूर भी चले जाए और उसके पास में फूड पड़ा हो तो भी उसने स्टे करना चाहिए। तो जैसे अभी मैं इसके पास फूड रख दूंगा और मैं थोड़ा दूर चला जाऊंगा या दूर से स्टे बोलूंगा तो भी इसने स्टे होना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग आपको देना है। एक बार आपने ड्यूरेशन का ट्रेनिंग दे दिया तो आगे का डिस्टेंस का ट्रेनिंग आपको इजी जाने वाला है, क्योंकि उसको स्टे का मतलब तो मिनिमम समझ ही आएगा। चलो स्टे। अभी मैं चला जाता हूं यहां से। यस गुड बॉय। यस गुड बॉय। सिट। स्टे। 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 तो आप जैसे देख सकते हो कि मैं इससे थोड़ा दूर गया था फिर भी ये स्टे है। तो उस तरीके से आप डिस्टेंस बढ़ाओ आपका भी और दूर से इसको स्टे बोलो, तो ऐसे धीरे धीरे आप इसका डिस्टेंस का भी ट्रेनिंग दे सकते हो। यस गुड बॉय। तो डिस्टेंस में और डिस्ट्रक्शन के बाद में आपको थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग भी दे सकते हो, जैसे आप थोड़ा सा फूड उसके पास फेंक दो या थोड़ा दूर फेंक दो और वो जब लेने जाए तो उसको स्टे बोलो, तो तब भी वो बात मानना चाहिए आपका कौन से भी कंडीशन में, तो आप वो भी ट्रेनिंग दे सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको स्टे वर्ड इंट्रोड्यूस करना, स्टे वर्ड का मतलब समझाना जो आप पहले ही सिखा देते हो, तो उसके बाद कौन सी भी ट्रेनिंग देना उसको बहुत इजी हो जाता है। चलो आप गो स्टे। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने उसको स्टे बोला तो वही रुक गया और मेरे कमांड का थोड़ा वेट कर रहा है। तो ऐसे आप धीरे धीरे कर सकते हो, एक बार वो फुली ट्रेन हो गया तो आपकी सब बात मानने वाला है। चलो यस गुड बॉय। यस गुड बॉय। तो जैसे कमांड मैंने दी उसने ले लिया उसका ट्रिक, तो ऐसे ही सेम कर सकते हो आप। स्टार्टिंग में बस आपको यही करना है कि आप फूड दिखाओ उसको, स्टे बोल दो तो स्टे हो जाएगा, और उसके बाद जब आपकी वो बात मान ले तो उसको आपके हाथ से ट्रिक दे दो। यस गुड बॉय। चलो गो स्टे। ए नो चलो लीव। जैसे उसने अभी फूड ले लिया था मुंह में, जैसे मैंने लीव बोला नो बोला तो उसने जल्दी से वो फूड भी छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हो। यस गुड बॉय। यस गुड बॉय। चलो देखो अभी मैंने उसको स्टे भी नहीं बोला है पर उसको दो तीन बार में ही समझ गया है कि फूड मैंने फेंक भी दिया तो भी उसको स्टे रहना है जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा। तो पपी बहुत शार्प होते हैं, वो जल्दी से सीख जाते हैं, आपको बस उनको प्रॉपरली ट्रेन करना है दो तीन बार तो जल्दी से सीख जाएंगे हर एक कमांड आपकी। तो इस तरीके से आप इजीली उनको स्टे और सिट के लिए ट्रेन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे भी मैं ट्रेनिंग के वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग के वीडियोस आगे देखने हैं उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने आपने एक पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि शेरू कौन कौन सी ट्रेनिंग कर सकता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग मैंने उसको दी है, तो सबके सब कमांड जो उसने फॉलो किए उस वीडियो में, उस वीडियो का भी आपको लिंक ऊपर भी मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो लिंक्स थ्रू भी आप देख सकते हो मैंने ट्रेनिंग कौन कौन सी दी हुई है शेरू को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शेरू चला रहे ये ले। यस गुड बॉय। आ जा हैंडशेक। यस गुड बॉय।